जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है, पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बेहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।